सभी दोस्तों का स्वागत है आपके एजुकेशनल चैनल ईआर अखिलेश क्लासेस फॉर यू में। तो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से बड़ी खबर आई है आज कि जो 10वीं और 12वीं की जो मार्कशीट है उससे फेल शब्द को हटाया जाएगा, इसकी जगह इस दूसरे शब्द का प्रयोग होगा। और उस शब्द के लिए आप थोड़ी सी इस वीडियो को पूरा देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। सीबीएसई बोर्ड ने कहा है इस स्कूल के प्रिंसिपल से इसकी जगह दूसरे शब्द का इस्तेमाल करने के लिए सुझाव मांगा है। कहा गया है कि ये शब्द ऐसा होना चाहिए जिसको सुनकर छात्र के मन में नकारात्मक विचार ना आए, नेगेटिव चीज़ वो ना सोचे। सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 10वीं और 12वीं की मार्कशीट में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। ये बदलाव उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जिनकी मार्कशीट में किसी वजह से परीक्षा में बेहतर नंबर नहीं लाने की वजह से या नहीं आने की वजह से फेल शब्द लिखा होता है। सीबीएसई बोर्ड ने अब फेल शब्द को हटाने का फैसला किया है। इसके लिए बोर्ड ने सभी सीबीएसई स्कूलों के प्रिंसिपल से फेल की जगह दूसरे शब्द के इस्तेमाल के लिए सुझाव मांगे हैं। इस पर सुझाव देते हुए कहा गया है कि शब्द ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चों के मन में नेगेटिविटी ना आए। इससे पढ़ने के बाद असफल होने की बात तो पता चले लेकिन भविष्य में सफल होने का उत्साह भी बना रहे। यानी कि फेल शब्द हटाया जाएगा 2020 की मार्कशीट से। क्यों हटाया जाएगा? इसका जो मेन चीज़ है वो है नकारात्मक भर देता है, फेल शब्द नेगेटिविटी प्रोड्यूस करता है ये, इसीलिए इसको हटाने का सीबीएसई ने फैसला लिया है। सीबीएसई के परीक्षक नियंत्रक संयम भारद्वाज के मुताबिक मार्कशीट में फेल शब्द अक्सर बच्चे को असफल व असफलता का एहसास कराता है। अगर एक बच्चे को असफल होने का एहसास हो जाए तो ऐसे में बच्चों को उस स्थिति से निकाल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बच्चा डिप्रेशन की स्थिति तक पहुंच जा सकता है जिससे उसके अंदर आगे भविष्य में कुछ नहीं कर पाने का भाव आ जाता है। ऐसे में बच्चों को उत्साह देने की ज़रूरत होती है, इसीलिए यह प्रस्ताव रखा गया है कि मार्कशीट में फेल शब्द को हटाकर कोई दूसरा शब्द लिखा जाए जिससे बच्चों पर नकारात्मक असर ना पड़े। वहीं सीबीएसई की मीडिया हेड रमा शंकर ने बताया कि बोर्ड ने मार्कशीट में यह बदलाव करने का प्रस्ताव रखा है जो अभी तक विचाराधीन है। सफल असफल दोनों का रिजल्ट होता है जारी। सीबीएसई बोर्ड में सफल और असफल दोनों ही स्टूडेंट्स का रिजल्ट जारी करता है। साथ ही इसमें वो स्टूडेंट शामिल होते हैं जो एक या दो विषय में फेल हो जाते हैं और उन्हें कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल होना पड़ता है। लेकिन अब अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की मार्कशीट में फेल शब्द नहीं लिखा जाएगा। तो ये न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। अब देखते हैं आपके जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनका क्या सुझाव होता है, जो फेल शब्द की जगह कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे। आपकी मार्कशीट में आएगा अब नया वर्ड, फेल हटेगा और नेगेटिविटी भी आपकी उससे घट जाएगी। वाकई में एक फेल शब्द बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट क्रिएट करता है स्टूडेंट्स के माइंड में। तो ये थी अपडेट और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें और शेयर कर दें वीडियो को और सब्सक्राइब कर ले चैनल को। आपके लिए वीडियो बनाने वाला हूँ सीबीएसई के लिए। अभी मैं थोड़ा टाइम नहीं निकाल पाया, दूसरे बोर्ड्स में ज़्यादा बिजी था, तो जैसे भी मेरे को टाइम मिलता है मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्लस आपके एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर और भी जो स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड करा दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो और आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक।